Good morning to my all dear students and faculty members who are watching this channel and video. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia, PG College, Churu. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on morphology and internal structure of thoracic region of an insect. जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एंटोमोलॉजी की स्पेशल लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है और इस लेक्चर सीरीज में मॉर्फोलॉजी और इंटरनल एनाटॉमी के जो व्याख्यान हैं वो वर्तमान में डिलीवर किए जा रहे हैं. पूर्व में हेड स्ट्रक्चर है वो पूरी डिलीवर हो चुकी है, जिसमें तीन व्याख्यान रिकॉर्डेड हो चुके हैं, जिसमें हेड की स्ट्रक्चर, एक व्याख्यान एंटीना की स्ट्रक्चर पे है, एक व्याख्यान माउथ स्ट्रक्चर पे है. आज की इस व्याख्यानमाला में थोरेक्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, थोरेक्स का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा. अब जैसा कि आप जानते हो कि इंसेक्ट की बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन. हेड के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें एक जोड़ी कंपाउंड आई होती है, सिंपल आई अथवा ऑसिल आई होती है. माउथ पार्ट्स होते हैं, एक जोड़ी एंटीना होती है और थोरेक्स में तीन जोड़ी टांगे होती है, दो जोड़ी पंख होते हैं. लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिसमें पंख एब्सेंट होते हैं, उनको एटेरिगोटा के अंदर रखा जाता है, और जिन इंसेक्ट में पंख पाए जाते हैं उनको टेरिगोटा के अंदर रखा जाता है. अब थोरेक्स जो है वो विंगलेस इंसेक्ट में भी है और पंखों वाले इंसेक्ट में भी है. तो जो इंसेक्ट पंख विहीन है, यानी जो एटेरिगोट इंसेक्ट है, विंगलेस इंसेक्ट है, उनमें प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स तीनों सेगमेंट की रचना एक जैसी होती है, क्योंकि तीनों सेगमेंट में केवल एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है. लेकिन टेरिगोट्स में क्या होगा, टेरिगोट में प्रोथोरेक्स जो होता है उसमें केवल एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, इसलिए टेरिगोट के प्रोथोरेक्स की रचना विंगलेस इंसेक्ट के थोरेक्स की जैसी होती है. लेकिन टेरिगोट में मेजाथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पर एक एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं. तो मीजो और मेटाथोरेक्स में एक जोड़ी पंख भी हैं, एक जोड़ी टांगे भी हैं. तो दो रचनाएँ हैं इसमें, टांगे हैं वो तो लोकोमोशन में काम में आएगी और पंख जो होते हैं वो फ्लाइट के अंदर काम में आते हैं. अब इन दो स्ट्रक्चर होने के कारण मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स की रचना थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है, थोड़ी इसके अंदर अडप्टेशन है वो डेवलप हो जाती है, थोड़े इसके जो स्केलेट है उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाती है, मांसपेशियों के अटैचमेंट के लिए स्पेशल प्रोजेक्शंस हैं वो डेवलप हो जाते हैं. इसलिए टेरिगोट में मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स इन दोनों को मिला के टेरोथोरेसिक सेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है. तो पहले मैं विंगलेस इंसेक्ट जो है ए टेरिगोट, उनके अंदर थोरेक्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा. उसके बाद में टेरिगोट के अंदर थोरेक्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा. तो आज के इस व्याख्यान के दो पार्ट हो गए, दो सब पार्ट हो गए. फर्स्ट पार्ट में जैसे थोरेसिक स्ट्रक्चर इन विंगलेस इंसेक्ट या ए टेरिकोट इंसेक्ट और थोरेसिक ऑर्गेनाइजेशन इन टेरिकोट इंसेक्ट्स. तो सबसे इसका फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज ए टेरिकोट थोरेक्स इन ए टेरिगोट. अब जितने भी विंगलेस इंसेक्ट होते हैं इनके अंदर थोरेक्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट इज प्रोथोरेक्स, सेकेंड पार्ट मीजोथोरेक्स, थर्ड पार्ट मेटाथोरेक्स. और इन तीनों सेगमेंट में केवल टांगे पाई जाती है, हर सेगमेंट में एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है. अब चूँकि इंसेक्ट की पूरी बॉडी जो होती है वो सिलेंडर बेस्ड होती है, सेगमेंटल तो है ही
ने पूरी बॉडी है वो एक बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है। अब हेड के अंदर जैसे पिछले व्याख्यान में मैंने बताया कि हेड की जो फॉर्मेशन होती है वो पहले 6 सेगमेंट के फ्यूज़न से होती है। थोरस की फॉर्मेशन 7, 8, 9, 3 सेगमेंट से होती है। तो इसमें पहला जो सेगमेंट होता है दैट इज़ प्रोथोरेक्स, सेकेंड इज़ मेटाथोरेक्स, थर्ड इज़ मेटाथोरेक्स। अब इन थोरेक्स का जो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 3 मेन पार्ट इसमें देखने को मिलेंगे। डोर्सल सरफेस पे जो स्ट्रक्चर होती है, जो कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं टर्गम। वेंट्रल सरफेस में जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टर्नम। और लैटरल साइड में जो स्ट्रक्चर होती है ये कहलाती है प्लूरॉन। अब इसको बेसिकली जैसे हाइपोथेटिकल डायग्राम से जैसे मैं रिप्रेजेंट करूं, डोर्सल सरफेस का जो पार्ट है इट इज कॉल्ड टर्गम, और वेंट्रल प्लेट का जो पार्ट है वेंट्रल सरफेस का इट इज कॉल्ड स्टर्नम, और लैटरल साइड का जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्लूरॉन। अब ये जो डायग्राम है ये तो क्रॉस सेक्शन का है, इंसेक्ट के थोरेक्स का क्रॉस सेक्शन काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, तो डोर्सल सरफेस पे टर्गम प्रेजेंट होगी, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम प्रेजेंट होगी, और लैटरल साइड के अंदर प्लूरॉन प्रेजेंट होगी। अब इसका लैटरल साइड से यदि डायग्राम देखें, यानी इंसेक्ट जैसे यूँ है और इंसेक्ट के पार्श्व से आप यदि इन सेगमेंट को देखो तो वो सेगमेंट कैसे दिखाई देंगे, उसका ग्राफिकल डायग्राम इस प्रकार का होगा। ये एक थोरेसिक सेगमेंट का लैटरल साइड से पार्ट दिखाया है, और लैटरल साइड से देखने पर आप देख रहे हो डोर्सल सरफेस के ऊपर टर्गम प्लेट होती है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर स्टर्नम प्लेट होती है, और ये लैटरल साइड की मेम्ब्रेनस प्लेट है जिसको प्लूरॉन बोलते हैं। अब इस प्लूरॉन के अंदर ये बीच का जो पार्ट है सॉकेट टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर टांगे फिक्स्ड होती है, इसको कॉक्सल कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो टांगे जो होती है, टांगों के अंदर जो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कॉक्सा कहलाता है, कॉक्सा के बाद में ट्रोकेटर होता है, फिर फीमर होती है, उसके बाद टीबिया होती है, फिर टार्सस होती है। तो टांगों की जो कॉक्सा होती है वो कॉक्सा इस कॉक्सल कैविटी के अंदर फिट रहती है। इस कॉक्सल कैविटी के जस्ट ऊपर प्रत्येक सेगमेंट में, थोरेक्स के प्रत्येक सेगमेंट में, एब्डोमेन के प्रत्येक सेगमेंट में, लेफ्ट और राइट साइड में एक एक स्पाइरिकल्स होता है, और स्पाइरिकल जो होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी ओपनिंग है एक तरह की, क्योंकि इंसेक्ट में श्वसन क्रिया है वो ट्रेकियल सिस्टम से होती है, और ट्रेकियल सिस्टम लैटरल साइड में एक काइटिनस कैनाल के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। इस कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो स्पाइरिकल के द्वारा कंट्रोल होती है। ये स्पाइरिकल वाल्व वाले भी होते हैं, बिना वाल्व वाले भी होते हैं, वाल्वुलर भी है, ए वाल्वुलर भी है। वाल्व जब खुलते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर चली जाती है। और किस इंसेक्ट में कितने स्पाइरिकल फंक्शनल होंगे, कितने नॉन फंक्शनल होंगे, उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो कुछ स्पाइरिकल तो ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी भर ही बंद रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन के समय खुलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मोल्टिंग के टाइम खुलते हैं। तो इन स्पाइरिकल का भी एक पूरा अपना एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, और ये एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है विंगलेस इंसेक्ट का, यानी एटेरिकॉट इंसेक्ट, क्योंकि एटेरिकॉट इंसेक्ट में पंख तो होते नहीं है, केवल 3 जोड़ी टांगे होती है, एक जोड़ी टांग प्रोथोरेक्स पे, एक जोड़ी टांग मीजोथोरेक्स पे, एक जोड़ी टांग मेटाथोरेक्स पे। इसलिए विंगलेस इंसेक्ट में थोरेक्स के तीनों सेगमेंट में कोई विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे, केवल टांगों का अटैचमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और टांगे के मोमेंट के लिए जो मांसपेशियां रेस्पॉन्सिबल होती है वो मांसपेशियां इसके भीतर की तरफ है इंटरनली इनको सपोर्टेड करती है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है एक विंगलेस इंसेक्ट के थोरेक्स का। सो इन एटेरिकॉट्स थोरेक्स ऑन डोर्सल सरफेस कवर्ड बाय टर्गम, ऑन वेंट्रल सरफेस इट इज़ कवर्ड बाय स्टर्नम, एंड ऑन लैटरल साइड
there are two membranous region which are called as pleura or pleuron. In every pleura there is a coxal cavity in which coxa of the leg is inserted and it is supported by muscles. In each thoracic segment in pleural region on left and right side one spiracle is present which may be valvular or avalvular. So this is the simple structure, simple morphological organization of thoracic segment of wingless insect. अब wingless insect के बाद में पंखों वाले जो insect होंगे हैं, जिनको pterygotes अपन बोलते हैं, तो pterygote में क्या होगा, pterygote में जैसे thorax में segment तो तीन ही है, prothorax, mesothorax, metathorax, और हर segment में एक एक जोड़ी टांगे हैं. लेकिन pterygotes में क्या होगा, mesothorax में एक जोड़ी पंख हैं, metathorax में एक जोड़ी पंख हैं. अब pterygote के prothorax की रचना तो इसके जैसी होगी, क्योंकि prothorax में केवल टांगे हैं, पंख नहीं हैं, इसलिए pterygote इंसेक्ट के prothorax की रचना विंगलेस इंसेक्ट के थोरेक्स की जैसी होगी. लेकिन mesothorax और metathorax में टांगों के अलावा एक एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं, और पंखों की प्रेजेंस के कारण इनमें स्पेशल अटैचमेंट की साइट्स मिलेगी. पंखों को मोमेंट प्रदान करने के लिए स्पेशल तरह की मांसपेशियाँ इसके अंदर असेंबल होगी. तो यहाँ पर mesothorax और metathorax की रचना थोड़ी डिफरेंट प्रकार की है, और prothorax की रचना इस सेगमेंट के जैसी है. इसलिए pterygotes में mesothorax और metathorax को कई बार सामूहिक रूप से pterothoracic सेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी विंग बियरिंग सेगमेंट. तो pterygote में इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके तीनों पार्ट, टर्गम की स्ट्रक्चर पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, स्टर्नम की स्ट्रक्चर है वो बताऊंगा, और प्लूरोन की स्ट्रक्चर कैसी है वो मैं आपको बताऊंगा. तो पहले थोरेक्स का लेटरल सरफेस से डायग्राम कैसा होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर टर्गम का डोर्सल सरफेस से डायग्राम, स्टर्नम का पूरा फिगर और प्लूरोन का पूरा फिगर, ये मैं आपसे एक एक करके मैं आपसे शेयर करूँगा. तो pterygotes के अंदर थोरेक्स की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी डिफरेंट प्रकार की होती है, और जैसे मैंने बताया कि विंग बियरिंग जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके prothorax, mesothorax और metathorax में एक एक जोड़ी टांगें पाई जाती है. लेकिन mesothorax और metathorax में टांगों के साथ साथ उसमें एक एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं. इसलिए pterygote का prothoracic सेगमेंट जो होता है वो apterygote के थोरेक्स के जैसा ही है. लेकिन mesothorax और metathorax की जो रचना होती है वो prothorax से थोड़ी डिफरेंट होती है. तो यहाँ पर ये जो मैंने फिगर दिखाया है ये mesothorax और metathorax का है. prothorax की रचना वैसी है जो पहले मैंने आपको pterygote इंसेक्ट में बताई है, और इधर ये जो डायग्राम है ये टर्गम की डोर्सल सरफेस में. तो यहाँ पर मैं तीनों पार्ट की आपसे डिटेल में चर्चा करूँगा, टर्गम की स्ट्रक्चर, उसके बाद में स्टर्नम की स्ट्रक्चर कैसी है, फिर प्लीरोन की स्ट्रक्चर कैसी है. तो डोर्सल सरफेस पे टर्गम है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है, और लेटरल साइड के अंदर प्लीरोन है. एक बात यहाँ ध्यान रखने की और है कि थोरेक्स में टर्गम जो होता है उसको नॉटम भी बोलते हैं, हालांकि एब्डोमन में भी डोर्सल सरफेस पे टर्गम है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है, लेटरल साइड में प्लीरोन है, लेकिन एब्डोमन में टर्गम को टर्गम ही बोलेंगे. थोरेक्स में टर्गम को डिमार्केट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको नॉटम के नाम से भी पुकारते हैं. इसलिए prothorax का जो टर्गम होगा वो प्रोनोटम के नाम से जाना जाएगा, mesothorax का जो नॉटम है वो mesonotum के नाम से जाना जाएगा, metathorax का जो नॉटम है वो metanotum के नाम से जाना जाएगा. तो ये एक कंपोजिट फिगर है एक सेगमेंट का. तो पहले मैं इसके मेन मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं, मेन मेन पार्ट है वो आपसे डिस्कस करूँगा, और फिर इंडिविजुअल जो प्लेटें हैं, स्क्लाइट हैं, उन पर मैं डिस्कस करूँगा. ये एक mesothorax और metathorax का लेटरल साइड से जैसे फिगर है, ये ऊपर डोर्सल सरफेस पे टर्गम दिखाया है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम दिखाया है, और ये लेटरल साइड में प्लीरोन दिखाई है. अब यहाँ पर क्या होगा कि थोरेक्स का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पर क्या होता है कि एक्रोटरगाइट होता है, और इस एक्रोटरगाइट के साथ एंटीरियर फ्रेगमेंटा जो होता है वो जुड़ा रहता है. इन एक्रोटरगाइट से पंखों को जोड़ने वाली मांसपेशियाँ भी अटैच रहती है. अब इसका जो टर्गम होता है, इस टर्गम में कुल मिला के तीन तरह के स्ट्रक्चर या सल्कस देखने को मिलेंगे.
पहला जो सूचर है वो है एंटी कोस्टल सूचर या एंटी कोस्टल सल्कस। ये प्रेजेंट होता है एक्रोटरगाइट और प्री स्कूटम के बीच में। ये टर्गम का फर्स्ट पार्ट है, एक्रोटरगाइट और प्री स्कूटम के बीच में जो सूचर है इसको बोलते हैं एंटी कोस्टल सूचर। इसी तरह प्री स्कूटम और स्कूटम के बीच में सूचर होता है, इसको बोलते हैं प्री स्कूटेलर सूचर। इसी तरह स्कूटम और स्कूटेलम के बीच में भी सूचर है, इसको बोलते हैं स्कूटो स्कूटेलर सूचर। तो टर्गम जो होती है उसके अंदर तीन जोन हो गए, प्री स्कूटम, स्कूटम, स्कूटेलम। प्री स्कूटम और एक्रोटरगाइट के बीच में जो जॉइंट है, जो फ्यूज सूचर है, इसको बोलेंगे एंटीकोस्टल सूचर। प्री स्कूटम और स्कूटम के बीच में जो सूचर है इसको बोलेंगे प्री स्कूटेलर सूचर, और स्कूटम और स्कूटेलम के बीच में जो सूचर है इसको बोलेंगे स्कूटो स्कूटेलर सूचर। तो यहाँ पर जैसे एक्रोटरगाइट आगे भी है, इसके पीछे भी है, आगे भी इसमें एंटीरियर फ्रेगमेंटा है, पीछे अंदर पोस्टीरियर फ्रेगमेंटा है। ये तो इसके डॉर्सल सरफेस की पार्ट है। अब इसका जो वेंट्रल पार्ट जो है स्टर्नम, वेंट्रल सरफेस पे, तो वेंट्रल सरफेस का जो स्टर्नम है ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पार्ट है इसका ये कहलाता है प्री स्टर्नम। इसका जो मिडिल जो पार्ट होता है ये कहलाता है बेसी स्टर्नम, और पीछे वाला जो पार्ट है ये कहलाता है स्पाइनस स्टर्नम। और स्पाइनस स्टर्नम के बीच में यहाँ पर स्पाइन्स हैं। तो स्टर्नम की जो रचना है वो प्रोथोरेक्स में अलग तरह की है, मीजोथोरेक्स में अलग तरह की है, मेटाथोरेक्स में अलग तरह की है, और अलग अलग इंसेक्ट्स में इसमें फ्यूजन देखने को मिलेंगे। कई बार प्रो और मीजाथोरेक्स का स्टर्नम है वो फ्यूज हो जाता है, कई बार मीजो और मेटाथोरेक्स का स्टर्नम है वो फ्यूज हो जाता है, कई बार प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स तीनों के स्टर्नम आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक लंबी स्ट्रॉन्ग स्टाउट प्लेट के रूप में स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये पार्ट में अभी डिस्कस करूँगा आपसे। और लेटर साइड में जो प्लूरोन जो होता है, इस प्लूरोन के अंदर आप देख रहे हो कॉक्सल कैविटी है, इस कॉक्सल कैविटी में टांगों की कॉक्सा जो होती है वो फिट होती है। इस कॉक्सल कैविटी के जस्ट ऊपर प्लूरल सूचर है, क्योंकि ये जो प्लूरोन है ये स्टार्टिंग में मेम्ब्रेनस होता है लेकिन बाद में ये स्क्लेरोटाइज हो जाता है। स्क्लेरोटाइज जब होता है तब इसके अंदर सूचर डेवलप हो जाते हैं। तो प्लूरोन के अंदर एकदम बीच में जो वर्टिकल सूचर होगा इसको प्लूरल सूचर के नाम से जाना जाता है। अब इस प्लूरल सूचर के एंटीरियर साइड में जो पार्ट है ये कहलाता है एपिस्टर्नम, और पोस्टीरियर पार्ट में जो पार्ट है ये कहलाता है एपीमेरॉन। और इसके अलावा इसमें दो स्पेशल प्रोजेक्शंस और हैं, एक तो बेसलरी, ये विंग बेस के जस्ट नीचे होती है बेसलरी, और पीछे की तरफ होती है इसमें सब एलरी। अब कॉक्सल कैविटी के यहाँ पर ये ट्रांकेंटियन प्रेजेंट है, कॉक्सल कैविटी से जस्ट पहले ये जो पार्ट होगा स्क्लेट का इसको बोलेंगे प्री कॉक्सा, और इधर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है पोस्ट कॉक्सा। तो ये एक लेटरल साइड में एक थोरेसिक सेगमेंट का डायग्राम है, और ये डायग्राम मीजोथोरेक्स का भी हो सकता है, मेटाथोरेक्स का भी हो सकता है। प्रोथोरेक्स का जो डायग्राम है वो पहले जो मैंने आपको बताया था विंगलेस इंसेक्ट का, एप्टेरिकोट इंसेक्ट का, उसके जैसा ही है, क्योंकि प्रोथोरेक्स में केवल टांगे पाई जाती है, पंख नहीं होते हैं। अब मीजो और मेटाथोरेक्स में टांगे तो है ही, साथ में इसमें एक एक जोड़ी पंख भी हैं, तो पंखों की मोमेंट है वो भी इसके द्वारा परफॉर्म होगी, फ्लाइट मैकेनिज्म है वो इसके द्वारा परफॉर्म होगी, और टांगों के द्वारा इसके अंदर लोकोमोशन होता है वो भी परफॉर्म होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड की जाती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड की जाती है, और कई बटरफ्लाइज तो है जिसमें पंख जो होते हैं एक एक फीट के होते हैं। अब एक एक फीट के पंखों में जब मोमेंट करनी है तो उसके अंदर मजबूत मांसपेशियों का होना भी बहुत ज़रूरी है, और पंखों के साथ कुछ डायरेक्ट मसल्स होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट मसल्स अटैच होती हैं, कुछ उसके अंदर वर्टिकल मांसपेशियाँ हैं, कुछ उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मांसपेशियाँ हैं, उस पर भी एक अलग क्वेश्चन बनेगा अपना फ्लाइट मैकेनिज्म पे, और वो मैं नेक्स्ट व्याख्यान में आपसे शेयर करूँगा। अब इसकी इंडिविजुअल प्लेट में मैं फोकस करूँगा। तो पहले डॉर्सल सरफेस की जो टर्नम है उसकी ये एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है, ये टर्गम का इंटीरियर पार्ट, यानी ये मान लो मीजोथोरेस का सपोज टर्गम है तो मीजोथोरेस का ये टर्गम का इंटीरियर पार्ट, ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट। अब इसमें
तीन सूचर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। पहला सूचर है एंटी कोस्टल सूचर, फर्स्ट सूचर इज एंटी कोस्टल सूचर। ये सूचर प्रेजेंट होता है एक्रोटरगाइट और प्रूस्कोटम के बीच में, एक्रोटरगाइट और प्रीस्कोटम के बीच में। इसी सूचर को इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, दिस वन, दिस इज एक्रोटरगाइट, दिस इज प्रीस्कोटम, और ये पहला सूचर है एंटीकोस्टल सूचर। सेकंड जो सूचर है वो है प्री स्कूटेलर सूचर। ये सूचर प्रेजेंट होता है प्री स्कूटम और स्कूटम के बीच में, प्री स्कूटम और स्कूटम के बीच में। ये सूचर हॉरिजॉन्टल टाइप का है। इसी सूचर को इस फिगर में यहाँ पर दिखाया है, दिस वन, ये प्री स्कूटम, ये स्कूटम, प्री स्कूटम और स्कूटम के बीच में ये जो सूचर है, दिस इज प्री स्कूटेलर सूचर। और तीसरा जो सूचर है वो है स्कूटेलर सूचर। ये सूचर स्कूटम और स्कूटेलम के मध्य उपस्थित है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, ये थोड़ा कर्वेचर लिए होता है, यू के आकार का होता है, उत्तल आकार का होता है, यू मान के चलो। तो स्कूटम और स्कूटेलम के बीच में जो सल्कस है इसको बोलेंगे स्कूटेलर सूचर। अब चूंकि मीजोथोरेक्स में साइड में पंख भी अटैच है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पंख अटैच होंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली रिजेज और फर्रो जैसी, खांच और उभार जैसी रचना इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर ये दो तरह के परवर्द देखने को मिलेंगे, एक तो अग्रभाग में एंटीरियर एंटीरियर नोटल प्रोसेस और पीछे की तरफ होता है इसमें पोस्ट नोटल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के बीच में ये कॉनकेविटी है। इस कॉनकेविटी में विंग के जो उभार होते हैं, यानी विंग की कॉन्वेक्सिटी और इनकी कॉनकेविटी, उसके अंदर ये आपस में लॉक एंड की के हिसाब से आपस में क्या होती है, पंख जो होते हैं अटैच होते हैं। तो पंख है वो इसके अंदर फिट हैं, और इन पंखों के मोमेंट्स के लिए इसके अंदर फिर मांसपेशियाँ हैं वो इसके साथ अटैच होती है। तो ये टर्गम का एक बेसिक आर्किटेक्चर। अब टर्गम की स्ट्रक्चर के बाद में नेक्स्ट जो वेंट्रल सरफेस का जो पार्ट है इसको स्टर्नम बोलते हैं। अब जिस तरह स्टर्नम में टर्गम में जैसे प्रोनोटम, मीजोनोटम, मेटानोटम, उसी तरह स्टर्नम में भी प्रोथोरेस का स्टर्नम है, मीजोथोरेस का स्टर्नम है, मेटाथोरेस का स्टर्नम है। अब स्टर्नम जो होता है पूरा स्टर्नम, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो सेगमेंट होता है इसका, ये कहलाता है प्री स्टर्नम। सेकेंड जो पार्ट है ये कहलाता है बेसिक स्टर्नम, और तीसरा जो पार्ट है ये कहलाता है स्टर्नेलम। अब यहाँ पर प्री स्टर्नम और स्टर्नेलम इसके बीच में एक सूचर होता है, इस सूचर को बोलते हैं स्टर्ना कोस्टल सूचर। अब प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स के बीच में, इसके बीच में स्पाइना स्टर्नम है, और स्पाइना स्टर्नम के अंदर एक एपोडी मिलती है जिसको स्पाइना बोलते हैं। इसी तरह मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के बीच में भी सब स्पाइना स्टर्नम है, वहाँ पर सेकेंड स्पाइना है, लेकिन मेटाथोरेक्स और एब्डोमन इसके बीच में कोई स्पाइना नहीं होता है। तो स्पाइना है वो प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स के बीच में है, मीजोथोरेक्स मेटाथोरेक्स के बीच में है, लेकिन मेटाथोरेक्स और फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट उसके बीच में कोई स्पाइना स्टर्नम नहीं है। अब इस पूरे स्टर्नम का वेंट्रल सरफेस का जो कंपोजिट डायग्राम है वो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है, और ये जो फिगर है ये कॉकरोच का है वैसे। तो ये जैसे प्रोथोरेक्स का स्टर्नम, ये मीजोथोरेक्स का स्टर्नम, ये मेटाथोरेक्स का स्टर्नम। अब इसमें आप देख रहे हो मॉडिफिकेशंस। अब प्रोथोरेक्स में टोंकी की टांगे ही होती हैं, पंख नहीं होते, इसलिए उसके स्टर्नम की स्ट्रक्चर अलग तरह की है। मीजोन मेटाथोरेक्स में टांगे भी हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर पंख भी होते हैं। तो पंखों को मसल्स प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर अनेक तरह के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। अब इसमें आप देख रहे हो प्रोथोरेक्स में बेसिक स्टर्नम सिंगल है, साइज बड़ी है। मीजोथोरेक्स में स्टर्नम के दो ब्लॉक बन गए, मेटा स्टर्नम में बेसिक स्टर्नम के दो ब्लॉक है लेकिन साइज और बढ़ गई। इसी तरह इसके जो मेन तीन पार्ट प्री स्टर्नम, बेसिक स्टर्नम, स्टर्नेलम, इन तीनों से मिलके एक ये प्रोथोरेक्स एक सेगमेंट बनेगा।
अब प्रोथोरेक्स और मेजाथोरेक्स के बीच में स्पाइना स्टर्नम है और स्पाइना स्टर्नम के अंदर फर्स्ट स्पाइना होता है। इसी तरह मेजाथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के बीच में ये सेकंड स्पाइना है। अब यहाँ पर जो बेसिस स्टर्नम जो होता है इसके साथ टर्गोस्टर्नल मांसपेशियाँ जुड़ी रहती है, यानी टर्गम को स्टर्नम से जोड़ने वाली मांसपेशियाँ, क्योंकि थोरेक्स में डॉर्सल सरफेस पे टर्गम है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है, तो टर्गम और स्टर्नम को जोड़ने वाली जो मांसपेशियाँ होती है उनको टर्गोस्टर्नल मसल्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह ये जो स्पाइना स्टर्नम है इसके साथ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अटैच होती हैं और वेंट्रल मसल्स अटैच होती है। अब अलग अलग इंसेक्ट्स में इसमें अलग अलग तरह के फ्यूजन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कई बार तो क्या होता है तीनों थोरस के स्टर्नम अलग अलग सेपरेट यूनिट है, यानी यू स्टर्नम ऑफ प्रोथोरेक्स, यू स्टर्नम ऑफ मीजोथोरेक्स, यू स्टर्नम ऑफ मेटाथोरेक्स, और इन तीनों के बीच में कोई फ्यूजन नहीं है, तीनों अपनी अपनी इंडिविजुअल यूनिट हैं। कई बार क्या होगा प्रोथोरेक्स और फर्स्ट स्पाइना ये फ्यूज रहते हैं, मीजो और मेटाथोरेक्स सेपरेट रहते हैं, कई बार मीजोथोरेक्स और ये सेकंड स्पाइना ये आपस में फ्यूज रहते हैं, मेटाथोरेक्स अलग रहता है, कई बार तीनों जो सेगमेंट हैं तीनों जो पार्ट्स हैं प्रोथोरेक्स का यू स्टर्नम, मीजोथोरेक्स का यू स्टर्नम और मेटाथोरेक्स का यू स्टर्नम, ये तीनों यूनिट आपस में कंपोजिट हो जाती है, एक सिंगल यूनिट के रूप में आपस में स्ट्रांगली फ्यूज हो जाती है और उस समय एक शील्ड के रूप में काम करेगी। तो अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस के वेरिएशंस अलग अलग फ्यूजन लेवल इंसेक्ट में देखने को मिलेंगे। ये लेवल कौन कौन से हो गए, सारी यूनिट सेपरेट हो सकती है, पहले यूनिट की स्टर्नम और फर्स्ट स्पाइना फ्यूज हो सकता है, मीजोथोरेक्स का स्टर्नम सेकंड स्पाइना फ्यूज हो सकता है, कई बार तीनों जो सेगमेंट हैं उनकी तीनों यूनिट आपस में फ्यूज हो सकती है। तो ये फ्यूजन के जो अलग अलग लेवल्स हैं ये अलग अलग इंसेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। और इस स्टर्नम का मेन फंक्शन वही है, एक तो इसके अंदर टर्गम और स्टर्नम को जोड़ने वाली जो टर्गो स्टर्नम मसल्स हैं वो इसके साथ अटैच हैं, और इसके अलावा जो स्पाइना स्टर्नम है इसके साथ अनुदैर्ध्य मांसपेशियाँ जितनी भी हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल पूरी बॉडी में आगे से पीछे जो मांसपेशियाँ प्रोपेल हो रही है वो इसके साथ जुड़ी रहती है, और वेंट्रल मसल्स हैं वो इसके साथ जुड़ी रहती है। क्योंकि टर्गम की जो शेप है, टर्गम मान लीजिए कॉन्वेक्स शेप है यानी उत्तल आकार का, उसमें पंख डाउनवर्ड रहेंगे, पंख जब कॉनकेव हो जाएगा अवतल प्रकार का उसमें पंख अपवर्ड हो जाएंगे, तो पंखों में अपवर्ड मोमेंट डाउनवर्ड मोमेंट ये टर्गम की आकृति पे डिपेंड करती है। कई बार इस तरह की सिचुएशन है, मान लीजिए टर्गम उत्तल आकार का है तो पंख डाउनवर्ड रहेंगे, यदि टर्गम अवतल हो जाएगा तो पंख अपवर्ड चले जाएंगे, तो यहां पर आप देख रहे हो टर्गम है वो कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स शेप है तो पंखों में डाउनवर्ड मोमेंट होगी, और यहां पर आप देख रहे हो पंख टर्गम अवतल हो गया, टर्गम अवतल हो गया तो पंख अपवर्ड डायरेक्शंस में चले जाएंगे, तो पंखों के अंदर अपवर्ड मोमेंट डाउनवर्ड मोमेंट ये चलती रहती है फ्लाइट के दौरान, लेकिन इस मोमेंट में टर्गम की जो आकृति है वो डिसाइड करती है। तो टर्गम है वो मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसकी आकृति कॉन्वेक्स शेप कॉन्केव शेप है वो होती रहती है। सो ये शॉर्ट में एक स्टर्नम की स्ट्रक्चर। अब इसका जो तीसरा पार्ट है लेटरल साइड में ये प्लूरोन्स कहलाता है, तो प्लूरोन स्टार्टिंग में तो मेम्ब्रेनस प्रकार का होता है, लेकिन जो जो डेवलपमेंट होगा जो जो इसके अंदर पंख अटैच हो जाएंगे ये स्क्लाइट हो जाती है, स्क्लेरोटाइट हो जाती है, और इसके अंदर भी अलग अलग फ्यूचर जो होते हैं स्क्लाइट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो थोरेक्स में टर्गम का पार्ट हो गया, स्टर्नम का पार्ट हो गया, अब इसका लास्ट जो पार्ट है दैट इज़ प्लूरोन, जो कि ये साइड वाला जो पार्ट है इस पर मैं आपको फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। अब थोरेक्स का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़
प्लूरॉन, डोर्सल सरफेस पे टर्गम हो गया, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्न हो गया और लेटरल साइड के अंदर प्लूरॉन होता है दोनों तरफ। अब ये एक प्लूरॉन का जैसे फिगर है साइड में। अब प्लूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्टिंग में मेम्ब्रेनस प्रकार की होती है, यानी लार्वल स्टेज में, प्यूपल स्टेज में इट इज़ मेम्ब्रेनस इन नेचर। लेकिन अडल्ट में जब टांगे विकसित हो जाएगी, पंख जब विकसित हो जाएंगे तो ये रचना स्क्लेरोटाइज्ड हो जाती है और इसके अंदर अलग अलग तरह के स्क्लेराइट्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्लूरॉन के अंदर टोटल 3 स्क्लेराइट डेवलप होते हैं। एक तो स्क्लेराइट है इसके अंदर एपिस्टर्नम, सेकेंड स्क्लेराइट है इसके अंदर एपिमेरॉन। अब एपिस्टर्नम और एपिमेरॉन इन दोनों के बीच में पहले कोई सूचर लाइन नहीं होती है, यानी लार्वल स्टेज में, प्यूपल स्टेज में इन दोनों के बीच में कोई सल्कस नहीं है, कोई सूचर नहीं है। लेकिन अडल्ट स्टेज में एपिस्टर्नम और एपिमेरॉन इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल सूचर है, ये डेवलप हो जाता है, इसको कहते हैं प्लूरल सूचर। प्लूरल सूचर के जस्ट नीचे कॉक्सल कैविटी है। इस कॉक्सल कैविटी में टांगों की जो कॉक्सा होती है वो इसके अंदर फिट रहती है। कॉक्सल कैविटी के जस्ट एडजॉइनिंग ट्रॉन्केटिन प्रेजेंट होता है। अब एपिस्टर्नम और एपिमेरॉन इसके बीच में ये पूरा एक स्क्लेराइट है, ये पूरा एक स्क्लेराइट है, लेकिन कॉक्सल कैविटी के डेवलप होने के कारण इसका एंटीरियर पार्ट वो अलग डेवलप हो जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट है वो अलग डेवलप हो जाएगा। तो एंटीरियर पार्ट जो है इसको तो बोलते हैं प्री कॉक्सल, यानी कॉक्सा से पहले, कॉक्सल कैविटी से पहले, और कॉक्सल कैविटी के बाद में जो पार्ट है ये कहलाता है पोस्ट कॉक्सी। अब पंखों का जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, पंख जब पूरी फुली डेवलप्ड हो जाएंगे उस केस में इसके अंदर एपिप्लूराइट और डेवलप होते हैं, और एपिप्लूराइट जो होते हैं वो टर्गम के जस्ट नीचे और प्लूरॉन के अपर मार्जिन में, यानी डोर्सल सरफेस की तरफ। तो दो प्लूराइट, एपिप्लूराइट इसके अंदर डेवलप होंगे, एक तो अग्रभाग में, इसको तो बोलते हैं बेसलेरी या एंटीरियर एपिप्लूराइट, और पीछे वाले को बोलते हैं सब एलेरी या पोस्टीरियर एपिप्लूराइट। इसके अलावा इसमें स्पायरिकल्स होता है, यहाँ पर लेटरल साइड में इसमें स्पायरिकल्स होता है। तो ये एक जनरल आर्किटेक्चर है एक प्लूरॉन रीजन का। तो इस तरह थोरेक्स की जो मॉर्फोलॉजी है, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है, काफ़ी टिपिकल है। और एक बार नटसेल में फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं पूरे टॉपिक को। जैसे इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन। थोरेक्स के अंदर 3 सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। थोरेक्स के तीनों सेगमेंट में एक एक जोड़ी टांगें पाई जाएगी, लेकिन विंगलेस इंसेक्ट जो होते हैं उसमें पंख प्रेजेंट नहीं होते हैं। और पंखों वाले जो इंसेक्ट है जिनको टेरिकोटा में रखा जाता है, उनके मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में एक एक जोड़ी पंख जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में पंखों की उपस्थिति के कारण इनकी स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाती है, डेवलप हो जाती है, अडप्ट हो जाती है, डाइवर्सिफाई हो जाती है। इसलिए मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स को कलेक्टिवली कई बार टेरोथोरेसिक सेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो विंग इंसेक्ट जो होते हैं, पंखों वाले जो इंसेक्ट होते हैं, उनकी प्रोथोरेक्स की रचना विंगलेस इंसेक्ट के किसी भी सेगमेंट के समान हो सकती है, लेकिन मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स की रचना पंखों के डेवलपमेंट के कारण, पंखों के मांसपेशियों के अटैचमेंट के लिए, पंखों के मोमेंट के लिए है, उनके अंदर अलग अलग तरह के स्क्लेराइट हैं वो डेवलप होते हैं, कई तरह के मांसपेशियों के अटैचमेंट यहाँ पर डेवलप होते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टोटली मॉडिफाई हो जाती है। तो ये जो फिगर मैंने दिखाया है, ये एक मीजोथोरेक्स का मान लो या मेटाथोरेक्स का मान लो, उसका एक ये कंप्लीट फिगर है लेटरल साइड से। तो डोर्सल सरफेस पे टर्गम है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है, लेटरल साइड में प्लूरॉन है। टर्गम है इसके अंदर भी 3.3 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट प्री स्कूटम, इसके बाद स्कूटम, फिर स्कूटेलम। इसी तरह स्टर्नम में भी 3 पार्ट है, प्री स्टर्नम, बेसी स्टर्नम, स्टर्नेलम। और प्लूरॉन जो है ये 3 स्क्लेट का बना हुआ है, जिसमें एक तो एपिस्टर्नम हो गया, एक एपिमेरॉन हो गया और एक ये कॉक्सी के दोनों तरफ का पार्ट। इसमें एपिस्टर्नम और एपिमेरॉन के बीच में प्लूरल सूचर डेवलप हो जाएगा। और टर्गम के अंदर भी 3 सूचर है इसमें। पहला सूचर है
एंटीकोस्टल सूचर जो एक्रोटरगाइट और प्रीस्कोटम के बीच में है। सेकंड है प्रीस्कोटेलर सूचर जो प्रीस्कोटम और स्कोटम के बीच में है। तीसरा हो गया स्कोटो स्कोटेलर सूचर, ये स्कोटम और स्कोटेलम के बीच में प्रेजेंट है। और जितने भी ये फ्रेगमेटा है, फ्रेगमेटा जहाँ पर भी होंगे, एपोडिम जहाँ पर भी होंगे, इंटरनल इन्वेजिशन जहाँ पर भी होगा, वो पॉइंट हमेशा मसल्स के अटैचमेंट में सहायक होता है। अब इंसेक्ट को चलना भी है टांगों की सहायता से और पंखों की सहायता से इसको उड़ना भी है। तो पंखों के साथ में डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स अटैच होती है, इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स अटैच होती है, टर्गम को स्टर्नम से जोड़ने वाली मांसपेशियाँ अटैच होती है, पूरी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो फैली रहती है थोरक्स से लेकर पीछे एब्डोमन तक। अब इन मसल्स का अपना एक अलग चैप्टर है वो बनेगा फ्लाइट मैकेनिज्म पे, फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट पे। तो अगले व्याख्यान में मैं पंखों की स्ट्रक्चर कैसी है, पंखों में वेनेशन कैसा है, विंग कपलिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, फ्लाइट मैकेनिज्म कैसे होती है, तो उस पर एक कंप्लीट लेक्चर नेक्स्ट व्याख्यान की सीरीज़ में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो एक ये नटसेल में थोरक्स की मॉर्फोलॉजी और इसकी स्ट्रक्चर, और मैं आशा करता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। और फिर भी इस व्याख्यान को आप 2-3 बार आप देखें, क्योंकि इंसेक्ट की जो एनाटॉमी है वो थोड़ी टिपिकल है इसमें, क्योंकि नई तरह की टर्मिनोलॉजी है, नई तरह के टेक्निकल टर्म्स हैं। तो जब आप कॉन्स्टेंट माइंड से इस वीडियो को आप 1-2 बार जब आप देखोगे तो आपके ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर करें, साइंस कम्युनिटी में शेयर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। कोई भी कमी है तो आप निसंकोच मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि उनको हम रेक्टिफाई कर देंगे हाथों हाथ, क्योंकि हमारा मकसद है कि रेक्टिफाइड नॉलेज, स्पेसिफाइड नॉलेज, डीप नॉलेज सिंपल लैंग्वेज में बच्चों के पास पहुँचे, यही हमारा मकसद है। तो एक बार मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।